हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं प्लेग्राउंड सीजन 4 की। प्लेग्राउंड सीजन 4 में एक ऐसी चीज हो गई है, एक कंटेस्टेंट आके मुनव्वर फारूकी की इतनी बेइज्जती कर देता है कि मुनव्वर फारूकी को गुस्सा आ जाता है और वहां पे बैठे हुए एल्विश यादव भी सोच में पड़ जाते हैं, भाई ये हो क्या रहा है। आपको बता दें, प्लेग्राउंड सीजन 4 बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये शो में काफी अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट आएंगे और प्रैंक्स भी चलेंगे और अलग अलग चीजें चलेंगी। और वो कंटेस्टेंट आके मुनव्वर फारूकी को कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं चलता तुम कॉमेडी करते हो या रोस्ट करते हो। और मुनव्वर फारूकी कहता है कि मैं रोस्ट भी करता हूँ, कॉमेडी भी करता हूँ। तो वो जो कंटेस्टेंट होता है वो कहता है, भाई पता भी नहीं चलता तुम करते क्या हो। मुनव्वर फारूकी को बोलता है, फिर तुम हमें बताओ ना मुनव्वर फारूकी तुम करते क्या हो। तो मुनव्वर फारूकी आगे से कहता है, वो मैं चूज करता हूँ। तो वो जो कंटेस्टेंट होता है वो आगे से ये भी कह देता है, यहां तक पहुंच जाता है, बोलता है कि जेल जाना भी तो तुमने चूज ही किया होगा ना। तो मुनव्वर फारूकी कहते हैं कि हाँ मैं जाता हूँ, जो किस्मत में होती है वो चीज हो जाती है, तो तुम्हारे जैसों को तो मैं बहुत बेच चुका हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मेरे जैसों को बेच चुके हो तभी तो तुम जेल में जाते हो, तुम्हारे जैसे लोग जेल में जाते हैं। और तुम्हारे जिस जेल में तुम गए थे वहां पे मेरा जो रिलेटिव था वो थानेदार लगा हुआ था। मतलब इतनी इंसल्ट की है मुनव्वर फारूकी की, मुनव्वर फारूकी को बहुत ही गुस्सा आ गया। बट आपको बता दें कि प्लेग्राउंड जो सीजन 4 है इसमें कॉमेडी भी चलता है और प्रैंक भी चलता है। अभी तक जो वायरल हो रहा है वो बहुत ही मतलब बेइज्जती वाला लगा कि मुनव्वर की बहुत बेइज्जती कर दी उसने। आप भी जाके देखिएगा जरूर। और एल्विश यादव को भी शॉकिंग हो गए, उनको हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ। तो ये लग भी रहा था कि प्रैंक हो सकता है और नहीं भी प्रैंक हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसा मजाक आपको मुनव्वर फारूकी के ऊपर कैसा लगा? मुझे पता है मुनव्वर के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जो भी है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए सीमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमन के चैनल में आपका स्वागत है। तो कर ली है हमने सारी क्लीनिंग व्लीनिंग, सब कुछ हो चुका है। और रात को अभी सोने से पहले मैं चाहती हूँ कि बेड वेड भी क्लीन हो जाए, तो मैंने इसकी भी पूरी सेटिंग कर ली है, साफ कर लिया है। और हस्बैंड भी आ चुके हैं। आयशा को पता नहीं क्या हो गया। आपको एक बात बता दें, जो मौसम जैसे चेंज होता है तो बच्चों का ना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने दोपहर को भी एक वीडियो में एक बात कही थी कि हाथ जब बच्चे घर पे आए तो उनके सबसे पहले हैंड वॉश करो, अपने हैंड वॉश करो। देखो कोविड चला गया है, इसका मतलब ये नहीं, हम वो सफाई जो कोविड हमें सिखा के गया है ना वो हमें जरूर रखनी है, हमें वो चीज नहीं भूलनी। कोविड ने हमें सिखाया है कि क्लीनिंग कैसे रखनी है, क्या बीमारी थी वो, कि दुनिया ही छूट गई थी, आप लोगों को पता है, लोग इतना डर गए थे। तो हमें कोविड जो सिखा के गया ना वो चीज को हमें भूलना नहीं है। आप अपने हैंड वॉश कीजिए जैसे ही बाहर से आते हो। मैं कहीं से भी आऊं मैं अपने पहले हैंड वॉश करती हूँ। आयशा को भी वही आदत सिखाई है इसने। कल क्या किया, जैसे ही आई बस से इसने आते हुए अपने मुंह माँ को हाथ लगा, ये वो, ऐसे मेरे को नहीं पता चला, इसने सब ये कर लिया। तो कल के दिन ऐसे हुआ था, उसको छींके लग गई, उसको कोल्ड ज्यादा हो रहा है। अभी मैंने घर पे एक टैबलेट पड़ी थी, वो मैंने टैबलेट इसे, टैबलेट नहीं मतलब सिरप था बच्चों का, वो मैंने इसे दिया है। तो अभी उसको थोड़ा सा आराम आया, सिट्राजिन दी। बच्चों को बहुत जल्दी एलर्जी होती है। बच्चों के जैसे खेल के आए उनके हैंड पहले वॉश करें, अपने हैंड वॉश करें। हस्बैंड आए तो उनको बोले, जो भी घर पे आए उसको बोलो सबसे पहले अपने हैंड वॉश करें। तो फिर ऐसी चीजें नहीं होती, इंसान बच जाता है इन चीजों से। तो मैंने पूरा बेड वेड क्लीन कर लिया, हर चीज साफ कर ली है। अभी सोने की तैयारी करने वाले हैं, तो मैंने सोचा एक आधी बात तो की जाए आपके साथ, क्यों ना की जाए, है कि नहीं? बनता तो है भाई आपसे बातें करना, तो आपके बिना तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आशा को बुला लेती हूँ अंदर। आपको एक बात बतानी है, ये मैंने टेमू से जो कपड़े लिए थे, आपको बताया था मैंने कि मैंने टेमू से बाय किए हैं। मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये देखना, जस्ट फोन को मैं ऐसे ही रखती हूँ, मैं आपको अभी चीज दिखाती हूँ क्या हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सही भी निकलती हैं, काफ़ी नहीं भी निकलती है। तो ये देखिए, ये हम लोग कपड़े जो लेते हैं, कपड़े बहुत ही प्यारी पैंट है ये वाली, ये आयशा ने पता नहीं क्या, इसमें पूरा क्लियर नज़र आ रहा है बट ऐसे है, इतना वो लगा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ना, ये पूरा ना इसका बोर्ड निकल गया, ये देखो, ये पैंट में से ना
पूरा ये निकल गया ऐसे, मतलब खराब हो गया ये चीज़। तो मेरी जो मम्मी है वो हमें पहले, मम्मी डैडी हमेशा ये सिखाते थे कि घर पे कोई भी कपड़ा आता था, कुछ भी आता था, हमें पहन के सोना नहीं है। अगर हम पहन के सो जाते हैं तो फिर उसके ना मतलब ये ऐसी वाली हालत हो जाती है उसकी। तो पहन के कुछ भी ऐसे कपड़े आपको सोना नहीं है। तो आयशा सुन नहीं रही थी, तो उसने कहा कि नहीं मैं पहन के सो जाती हूँ। सो गई, उसकी ये हालत हो गई। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो कटन का क्या हो गया। ये मैंने आयरन रखी थी ये वाली यहाँ पे, तो जो इसकी नोक है ना ये वाली, ये ऐसे लग गई और ये जल गया। बट ये आयरन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको भी लेनी है तो ये वाली आयरन ना बेस्ट है। मैं इंडिया में कपड़े आयरन करवाती हूँ, वहाँ पे करना पड़ता है, और ये कपड़े यहाँ पे एकदम से इतने अच्छे, बहुत जल्दी आयरन हो जाते हैं। पता नहीं ये आदमी लोग इतने कंजूस क्यों होते हैं। तो जो औरतें होती हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब वो पैसे खर्चा लो, इतने ज़्यादा नहीं मतलब अच्छे से अपना सामान खरीदना जानती है। ये आदमी को मैंने बोला सामान लेके आना, आलू प्याज ये सब चीज़ें लेके आना, आप यकीन मानोगे। देखो कितने आलू प्याज लेके आए, देखो ये, देखो ये लेके आ गए हैं। कितने आलू है, 1 2 3 4, लुक आयशा, 4 पोटैटो, सिर्फ 4 पोटैटो लेके आ गए हैं। और ये इतने से टमाटर और इतने से प्याज, भाई ये 5 प्याज लेके आया बंदा, देखो क्या ही बंदा कहे। जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही पकड़ के टमाटर खा जाते थे, हाय दिल कर रहा है मेरा खाने को, खा लो। बड़ी देर बाद ऐसे मतलब सब्जी, वैसे ये लेके तो ऐसे इतने से ही आए हैं, पर वो ऐसे मम्मी लेती ना सब्जी वाले से गली में, आशा आई वॉन्ट टू ईट, तो मम्मी ऐसे पकड़ के खा जाती, खा लो। यू हैव रस्क और एनी चॉकलेट, टेक द चॉकलेट, पुट द चॉकलेट ऑन द रस्क, ईट इट, अमेजिंग। हाउ आयशा, आयशा ऐसे करती है, आयशा हाउ, हाँ बहुत ही ज्यादा स्वाद लगता है रस के ऊपर लगा के कोई भी चॉकलेट खाओ। बच्चों को तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यू नो मंडे सनी मामू वेडिंग, सनी मामू ईटिंग एनी पॉपकॉर्न और समथिंग, एनी चिप्स ही इज पुटिंग इन साइड रोटी और ईटिंग। मेरा भाई जो चिप्स और कुछ भी होता ना भुजिया वुजिया रोटी के अंदर लगा के ऐसे खा जाता था, छोटा था कभी, अभी भी खा जाता है छोटा वाला, वो ऐसे ही है। तो देखो ये 4 चीजें लेके आए, क्या ही बनता है। और ये वाले है रस, मैं आपको बताती हूँ, जो आयशा बता रही है ना, ये वाले हैं, ये वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे। ओके यू कैन ईट, बहुत ज्यादा अच्छे। कुछ रस होते हैं ना अलग से लगते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही मिल्क रस है। तो चलिए आपको ना यहाँ पे आयशा दिखाती है, दो लोग कर देंगे, यहाँ पे आपको आयशा दिखाती है ये कैसे बनाती है, देखना रस के ऊपर ऐसे लगा के। बच्चों के भी अपने स्वाद होते हैं। बस बस डन, लुक व्हाट हैपेंड, लिक दिस वन डाउन साइड, लिक 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 डाउन हाय। अच्छा गिव मी वन बाइट, ओनली वन, ओनली वन, जल्दी से जल्दी, वेट वेट वेट, वन सेकंड, एक बाइट तो खा के देखूं मैं कैसी बनी है, जल्दी। चॉकलेट घर में हो ना, आशा लिख दैट वन, आई विल क्लीन इट, वॉश कर देने। चॉकलेट घर में हो ना, किसी भी चीज में, रोटी में लगा लो, किसी में लगा लो, ब्रेड में लगा लो, बहुत ही ज्यादा स्वाद आता है। तो इसको मैं ट्राई करके रख देती हूँ। अभी लेके आए हैं अंडे, भूख इतनी ज़्यादा ज़ोर से लगी है, पर मैं अपनी डाइट नहीं छोड़ना चाहती। आज मैंने वैसे भी पता क्या किया, आज मैंने वो फ्रूट क्रीम पड़ी थी मैंने कितनी सारी खा ली यार, पूरा चैलेंज किया है, मतलब 6 kg का एक टारगेट बनाया है कि मैंने 6 kg लूज़ करने हैं, 3 kg हो गए, 3 kg और करने हैं, मतलब कि मेरा वेट है 75 पॉइंट कुछ था, मतलब 69 मुझे करना है। इतना करने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत खाना शुरू करूँगी, 69 तक मुझे पहुँचना है। जिस दिन पहुँच गया मैं आपको बता दूँगी। 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन में 3 kg हो गया है, 15 दिन नहीं लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, बस इतना लगेगा। आपको वेट लूज़ करना है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी किस चीज़ से। तो आज बात करते हैं प्लेग्राउंड की। प्लेग्राउंड मतलब खेलने वाला प्लेग्राउंड नहीं, बात करते हैं, एक शो आया है प्लेग्राउंड,
सीजन 4, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं, मैंने नहीं देखा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा जब उसको वायरल, मतलब इतना ज्यादा हो रहा है, अब ये नहीं पता कि ये लोग क्या है क्या नहीं। वहां पे एक लड़का कंटेस्टेंट आता है जो आके मुनव्वर फारूकी को कहता है कि भाई अभी इतने में हो गया, फट गई, ये हो गया, वो हो गया, और मुनव्वर फारूकी आगे से बोलता है भाई तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो वो कहता है मेरे जैसा बन भी नहीं सकता, तू तो सिर्फ रोस्ट करना जानता है, रोस्ट तो तेरे से हो फिर भी नहीं होता, तू कॉमेडी करते करते बीच में रोस्ट कर देता है और कॉमेडी कर देता है, तो इससे कुछ पता तो चलता नहीं है, आता तो तुम्हें कुछ है नहीं। तो फिर आगे वो बोलता है कि मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, तो वो लड़का बोलता है मुझे सिखाओ ना, तुम सिखा क्यों नहीं रहे हो। तो उसने बोला कि मैं कुछ ढंग के लोगों के ही मुंह लगता हूँ, मैं ढंग की चीजें ही करता हूँ। तो वो आगे से बोलता है हाँ तुम्हारे जैसों को तो मैं बहुत बेच चुका हूँ, ये मुनव्वर फारूकी ने उसे कहा, तुम्हारे जैसे को तो मैं बेच चुका, बेच के खा जाता हूँ 10 लोगों को। तो वो लड़का आगे से बोलता है हाँ इसलिए तो तुम जेल में जाते हो। तो मुनव्वर फारूकी ने बोला कि किस्मत जहां ले जाती है वहां पे इंसान पहुंच जाता है। तो वो आगे से ये बोलता है कि जिस जेल में तुम गए थे वहां के मेरे ताऊ जी वहां के जेलर है। मतलब बेइज्जती उसने मुनव्वर फारूकी की इतनी ज्यादा की कि एल्विश यादव भी ये सोचने में मजबूर हो गया, क्योंकि एल्विश भी वो शो में है तो एल्विश यादव देखने में मजबूर हो गया। तो उसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि एल्विश यादव के साथ भी तू मैं बहुत हुई थी वो लड़के की। बाकी शो स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी देखेंगे, इधर बिग बॉस भी स्टार्ट होने वाला है, मैं वो बिग बॉस कभी नहीं छोड़ सकती हूँ, और ये शो की भी अपडेट आपको साथ साथ में देती रहूंगी। प्लेग्राउंड शो का नाम है, और व्लॉग कैसा लगा वो भी बताइएगा, बने रहिए वीडियो पे मेरे साथ, और जो भी मुनव्वर फारूकी के फैन है, एल्विश के फैन है, वीडियो को लाइक, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। व्लॉग मेरा बताइएगा कैसे लगता है, जो भी आपको मैं दिखाती हूँ उसमें से अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी बताइएगा, अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुनव्वर फारूकी के, एल्विश के फैन, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।